और लूना में बैठ के चांद तक जाओगे तो क्या होगा, लूना ठीक है, एलवी बनता है, लॉन्च व्हीकल मजबूत बनाए, बनाए, स्ट्रांग बनाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, ठीक है। और लैंडिंग साइट का सिलेक्शन हम अच्छे से किए, के बारे में दिया, 14 जुलाई को छोड़ा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, छोड़ा गया 23 अगस्त 2023 को हो गया, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, भूल गया था इल्सा, ये तीनों जो थे लैंडर पेलोड, इसरो का गठन हुआ, तो हाईलाइट किया हूं 1969। अगर प्रश्न पूछता है, नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव श्रीवास्तव है, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2017 की परीक्षा में 97वीं रैंक के साथ नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था। उसके बाद 2021 में अभी मैं 45वीं रैंक के साथ सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुआ हूँ। आप लोगों के बीच मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जो है चंद्रयान 3। हम लोग सभी सुन रहे हैं कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत ने अपने अंतरिक्ष का सफर चंद्रमा तक तय कर लिया। बहुत सारे पिक्चर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि चंदा मामा को धरती माता ने राखी बांधी दी। तो ये चंद्रयान 3 का लॉन्च होना और उसकी सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग, ये घटना 23 अगस्त को हुई और ये भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। भारत के लिहाज से यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने अपना सफर जब 1962 में स्टार्ट किया था, तब हम बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ अपने अंतरिक्ष की यात्रा शुरू किए थे और आज हमने अपने चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करने के लक्ष्य को चंद्रयान नंबर 3 से पूरा कर लिया है। तो चंद्रयान 3 के बारे में तो आप लोग पढ़ रहे हो, यह भी जानते हो कि चंद्रयान 3 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से जो भारत का लैंडर और रोवर है वो पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल में जाके गया है और साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश है और चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाने वाला विश्व का केवल चौथा देश है, यूएसए, रूस, चीन के बाद चौथा नंबर भारत। ये सारी खबर आप पढ़ रहे हो और हम लोग इस बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रयास करते हैं कि एक बेसिक से हम समझ पाएं कि स्पेस टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, रॉकेट क्या होता है, उसमें जो रखा हुआ सामान रहता है सैटेलाइट वो क्या होता है और अंतरिक्ष क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों अंतरिक्ष या स्पेस क्या होता है। स्पेस क्या होता है, यह धरती की सतह है, धरती की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरती की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेमन लाइन। क्या बोलते हैं? कैरेमन लाइन। और ये कैरेमन लाइन से ऊपर का जो क्षेत्र है ये पूरा एरिया, ये क्या कहलाएगा? स्पेस कहलाएगा, अंतरिक्ष कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? धरती पर समुद्र तल से 100 किलोमीटर से ऊपर का स्थान, क्या ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है? नहीं, हर देश अपनी सुरक्षा के प्रति सजग है। उदाहरण के लिए अमेरिका है। अब अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई भी वायुयान उसके ठीक ऊपर उड़ते रहे, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो सभी देशों ने मिलकर एक पैक्ट किया और यह डिसाइड किया कि 100 किलोमीटर तक का एरिया इस देश की टेरिटरी है। मतलब वहां पर अगर कोई बिना परमिशन के वायुयान, हवाई जहाज, रॉकेट कुछ भी आ गया तो यह देश इसको शूट कर सकता है। लेकिन 100 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको हम स्पेस बोलते हैं, वो एक खुला मैदान है, वहां कोई भी जा सकता है, प्रयोग कर सकता है और अपने सैटेलाइट को लॉन्च करके इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अंतरिक्ष, ये उसी का दूसरा डायग्राम है कैरमन लाइन को समझने के लिए। ठीक है, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में है, ये वाला जानते हो ना, TSO ऐसा करके, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ओजोनोस्फीयर होगा, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो यहां पर बीच में क्या आ गई? कैरमन लाइन आ गई। ठीक है, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं? कक्षाएं मतलब ऑर्बिट्स, ठीक समझना बात को। ये सूरज चाचू है, ठीक है, और ये क्या होता है,
ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते रहती है ना, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये जो पथ बनता है गोलाकार पथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन इलिप्टिकल, क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, एक अंडाकार पथ होता है, ये पथ कहलाता है ऑर्बिट या कक्षा, ऑर्बिट या कक्षा। आप लोग जानते होंगे हर ग्रह की अलग अलग कक्षा होती है, ठीक है, जैसे मार्स है तो उसकी अलग कक्षा होगी, अलग अलग ग्रह की, सैटर्न की अलग बड़ी कक्षा होगी, तो हर ग्रह की एक कक्षा होती है। इसका मतलब अंतरिक्ष में कोई भी चीज जब जाती है तो एक निश्चित गोलाकार कक्षा में घूमने लगती है। हमने सैटेलाइट भेजने की दृष्टि से धरती में कुछ कक्षाएं चिन्हित करके रखी हैं और इन्हीं कक्षाओं में हम लोग अपने रॉकेट से सैटेलाइट को भेजते हैं। आगे सब समझेंगे रॉकेट क्या है, सैटेलाइट क्या है। तो हमारी कुछ कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, एक है लोअर अर्थ ऑर्बिट जो बहुत ही कम दूरी पर पाया जाएगा, कम दूरी पर पाया जाएगा, एक है मीडियम अर्थ ऑर्बिट इससे थोड़ा ज्यादा दूरी पर पाया जाएगा, एक है जीईओ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका एक डिस्टेंस फिक्स है 36,000 किलोमीटर, तो ये 36,000 किलोमीटर दूरी पर पाया जाएगा, एक है एचईओ ये इस तरीके का होता है हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, और एक है जीटीओ जो आपका ये जीईओ में भेजने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट्स बनाए गए हैं, अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट ये क्या है, 100 से लेकर 1500 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये नॉर्थ टू साउथ 90 मिनट में सैटेलाइट इसमें धरती में आना जाना, धरती के ऊपर आना जाना कर लेता है। इसका एक उदाहरण है पोलार ऑर्बिट, मतलब जो लियो है लोअर अर्थ ऑर्बिट उसी के अंतर्गत एक एग्जांपल क्या आता है, पोलार ऑर्बिट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है धरती का, तो ये ऐसा घूमता रहता है, ये ऑर्बिट क्या कहलाएगा, पोलार ऑर्बिट। तो ये पोलार ऑर्बिट कितना दूर होगा, 100 से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच में होगा, ठीक है, ये भी एक प्रकार का एलईओ है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है। पोलार ऑर्बिट में हम ज्यादातर कौन से उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम पोलार ऑर्बिट में भेजते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है बताऊंगा अभी। सेकंड है मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो मियो जो है वो 5000 से 10000 किलोमीटर है, ठीक है, 5000 से 10000 किलोमीटर है। जियो है, इसको अच्छे समझो, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। पहले इसके बारे में जानना है कि भाई 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई धरती से कितनी ऊंचाई पर है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, 36,000 किलोमीटर है, ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर पर जो कक्षा बनेगी, ऑर्बिट बनेगा, वो क्या कहलाएगा, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस कहलाएगा। अब क्या है, ये ईस्ट वेस्ट में रहता है, ठीक, ईस्ट वेस्ट में ये वाला रहता है, जियो स्टेशनरी रहता है, ठीक है, और 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है धरती का, कितने देर में लगाता है, 24 घंटे में। अब आगे लिखा हुआ है कि जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा वो धरती से कैसा दिखेगा, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा वो सैटेलाइट धरती से स्थिर दिखेगा, वही का वही रखा हुआ दिखेगा, दिन में देखो रात में देखो जब भी, क्यों, क्योंकि मान लो धरती में हम यहां पर खड़े हुए हैं और यहां पर एक सैटेलाइट है, ठीक है, अब ये सैटेलाइट कब यहां घूम के वापस आ जाएगा, 24 घंटे में, कब आ जाएगा, 24 घंटे में आ जाएगा, ठीक है, और हम भी यहां पर वापस घूम के कब आ जाएंगे, 24 घंटे में, क्योंकि धरती जो है अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में कितना देर लगता है उसको, वापस यहीं आने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो यहां से आदमी जो खड़ा है उसको यहां हमेशा स्टेशनरी दिखेगा, जियो स्टेशनरी हो गया। अब जियो सिंक्रोनस क्या है, ये तो सीधा सीधा जब पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा हुआ ये धरती है और अगर ऐसा सीधा घूमेगा, धरती जैसे रोटेट कर रही है वैसा ही,
धरती पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है तो इसको भी पश्चिम से पूर्व ही रोटेट करना पड़ेगा, तब तो ये जियो स्टेशनरी है, नहीं तो 36,000 किलोमीटर में बहुत सारे और ऑर्बिट बन सकते हैं, वो कहलाएंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये डायग्राम देखो समझ में आएगा, ये देखिए, ये हुआ आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये हुआ मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब ये 36,000 किलोमीटर का रेंज है, ये जीईओ है 36,000 किलोमीटर में, लेकिन ये ईस्ट वेस्ट में रखा हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, तो ये जियो स्टेशनरी है। यहां पर कुछ भी रखोगे तो धरती से स्टेशनरी ही दिखेगा वो, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिट है ये देखो, ये क्रॉस है, इसमें स्टेशनरी नहीं दिखेगा क्योंकि ये अलग दिशा में जा रहा है। हालांकि इसको भी 36,000 किलोमीटर पे ही रखा गया है, और इसको भी कितना देर लगता है, 24 घंटे लगते हैं घूमने में, ठीक है, लेकिन ये जियो स्टेशनरी ना कहला के क्या कहलाएगा, जीएसओ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, एक प्रकार का ऑर्बिट होता है एचईओ, अभी चर्चा में है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये थोड़ा दूसरे टाइप का ऑर्बिट है, ठीक है, एक तरफ कम डिस्टेंस रहता है और एक तरफ बहुत दूर, ऐसा मतलब सोच लो कि रस्सी बांध के जब हम लोग ऐसा मार रहे हैं ना, उस टाइप का ये तो ये ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमने अभी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया है। ये एक टेम्पोररी ऑर्बिट है, इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं होता, आगे डायग्राम में आप लोग को दिखाऊंगा। अच्छा, रशिया ने क्या किया वो आगे बताएंगे, अब चलो जीटीओ, अगला ऑर्बिट है जीटीओ, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब ये ऑर्बिट कौन सा है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है, या जियो स्टेशनरी भी हो सकता है। तो ऐसा ऑर्बिट जो किसी सैटेलाइट को, किसी उपग्रह को जियो सिंक्रोनस में भेजने के लिए यूज होता है, ये तो ये वाला जो है, ये वाला क्या कहलाएगा आपका, ये ऑर्बिट जीटीओ कहलाएगा, ठीक है, जीटीओ कहलाएगा। ये डायग्राम है, इसको देख लीजिए बढ़िया सा, ठीक है। अब सैटेलाइट के कितने प्रकार रहते हैं, उपग्रह के कितने प्रकार रहते हैं, देखिए भैया, अगर अंतरिक्ष में जाना है, ठीक है, ये आपका अंतरिक्ष है, ये कोई कक्षा है मान लेते हैं, अब अंतरिक्ष में जाना है तो आपको एक तगड़ी गाड़ी की जरूरत है जो आपको वहां भेज दे, ठीक है, तो एक जरूरत है आपको गाड़ी की, और आपको वहां कुछ भेजना है तो एक जरूरत है आपको सामान की। तो अंतरिक्ष में जब ये जाएगा लेके गाड़ी, जिसको हम लोग सामान्यतः क्या बोल देते हैं, रॉकेट, क्या बोलते हैं, रॉकेट, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं एलवी फॉर लॉन्च व्हीकल, ठीक है, आगे आएगा, ठीक है, एलवी फॉर लॉन्च व्हीकल, इसी को बोलते हैं प्रक्षेपण यान। और सामान क्या है, सामान को बोलते हैं अपन पेलोड, क्या बोलते हैं, पेलोड, इसी पेलोड का एक प्रकार है सैटेलाइट। भाई एक रॉकेट के ऊपर हम लोग कैमरा भी रख के भेज सकते हैं, या कोई सैटेलाइट रख के भेज सकते हैं, ठीक है, तो पेलोड का एक प्रकार क्या है, सैटेलाइट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। जो भी वस्तु किसी ग्रह की परिक्रमा लगाते रहती है एक निश्चित कक्षा में, उसको बोलते हैं उपग्रह। जैसे चांद जो है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसी प्रकार जो सामान है पेलोड, उसका एक प्रकार क्या, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट एक निश्चित उद्देश्य से भेजा जाता है, एक प्रकार का सैटेलाइट होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल क्यों होता है, नक्शा बनाने में, खनिज की पता लगाने में, ठीक है, वन क्षेत्र का पता लगाने में, जासूसी में, इस टाइप के काम में इस्तेमाल होने वाला सैटेलाइट है रिमोट सेंसिंग। दूर से संवेदन कर रहा है, ऊपर से देख रहा है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। यह अपेक्षाकृत नीचे रहता है, अगर धरती है तो धरती के निचले कक्षा में रहता है, कहां रहता है, एलईओ में रहता है रिमोट सेंसिंग। दूसरा नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट क्या है, आप लोग जीपीएस जानते हैं, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका है, यूएसए का ये नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है।
अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस से हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन ट्रेस करते हैं, कोई व्यक्ति कहां है, कोई ट्रेन कहां है, ये सब पता चल जाता है हमको, ठीक है। तो नेविगेशन मतलब किसी के लोकेशन का पता लगाना, तो नेविगेशन सैटेलाइट है। भारत की नेविगेशन सैटेलाइट कौन सी है, नाविक, एनएवीआईसी नाविक। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब संचार उपग्रह, ये इस्तेमाल होगा टीवी के लिए, मोबाइल फोन के लिए, ठीक है, टाटा स्काई के लिए, इंटरनेट के लिए, मतलब जितना भी संचार का माध्यम है कम्युनिकेशन का, उसके लिए यूज होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन और नेविगेशन ये दोनों सैटेलाइट कहां जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जीईओ में जाएगा, जबकि रिमोट सेंसिंग कहां जाएगा, एलईओ, लियो के अंतर्गत पोलार ऑर्बिट में, कहां जाएगा, पोलार कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा में, पोलार ऑर्बिट में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम रॉकेट भी अलग अलग यूज करते हैं उन सैटेलाइट्स को भेजने के लिए। जैसे हम किसी सैटेलाइट को छोटी दूरी पर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा रॉकेट, और बड़ी दूरी पर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा रॉकेट। इसी प्रकार यह रॉकेट था पहला रॉकेट जो हमने बनाया, किसने बनाया, इसरो ने, भारत का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसरो। इसरो ने पहला जो रॉकेट बनाया या लॉन्च व्हीकल बनाया, इसको प्रक्षेपण यान भी बोलते हैं, प्रक्षेपित करना या लॉन्च करना, प्रक्षेपण यान, एसएलवी था ये, एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है, ये लियो में 40 किलोमीटर तक लोड ले जा सकता था। दूसरा था एएसएलवी, एएसएलवी क्या करता था, लियो में 50 किलोमीटर तक का लोड ले जा सकता था। तीसरा या पीएसएलवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पीएसएलवी ने ध्रुवीय कक्षा में, पोलर ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए, और भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी में नाम ऊंचा करने वाला सैटेलाइट, सॉरी लॉन्च व्हीकल कौन सा है, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला आया जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। अब ये वो सैटेलाइट है जिसके माध्यम से हम कहां भेजने लगे, अपने उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। उसके बाद आया LVM3, तो ये LVM3 और GSLV एक ही है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। SLV में कुछ बताने का नहीं है, ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये लियो में कहां तक जा सकता है, 40 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता था। अच्छा, इसमें जो फ्यूल है वो ऑल सॉलिड फ्यूल है। दूसरा था ASLV, ए फॉर ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 50 किलो वेट ले जा सकता था LEO में, इसमें भी ऑल सॉलिड फ्यूल, डायग्राम दिया हुआ है। तीसरा है PSLV, ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण था हमारे लिए, क्योंकि ये पोलार ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जा सकता था, और इसमें हमने सॉलिड के साथ साथ बीच में लिक्विड फ्यूल भी यूज किया। तो इसमें कौन कौन से फ्यूल यूज हुए, ईंधन का इस्तेमाल हुआ, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है, ठोस, द्रव और ठोस। ये कितना वजन ले जा सकता है, तो अगर पोलार ऑर्बिट की बात करें, नीचे है जो थोड़ा, वहां 1850 किलोग्राम, और अगर हम जीटीओ की बात करें, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करें, तो ये कितना ले जा सकता है, 1300 किलोग्राम ले जा सकता है, ठीक है, 1300 kg। उसके बाद आया जीएसएलवी, जीएसएलवी एक क्रांतिकारी सैटेलाइट था, सॉरी क्रांतिकारी लॉन्च व्हीकल था, क्योंकि जीएसएलवी को बनाने के लिए हमको जरूरत थी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की। किसकी जरूरत थी, क्रायोजेनिक, इसमें सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव के साथ किसकी जरूरत थी, क्रायोजेनिक तकनीक की जरूरत थी, क्रायोजेनिक ईंधन की जरूरत थी। ये -180 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान इस ईंधन को चाहिए होता है, और वो भी लगातार, सोचो 0 डिग्री में बर्फ जम जाती है ना, तो आप सोचिए 180 डिग्री माइनस कितना ज्यादा ठंडा होगा, और उस टेम्परेचर को लगातार मेंटेन करके रखना रॉकेट में, ठीक है, तो वो बहुत ही कठिन तकनीक थी ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ये हमने अमेरिका से मांगी, तो अमेरिका ने हमको क्रायो टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि हमने 1974 में ऑलरेडी पोखरण परमाणु परीक्षण कर लिया था, ठीक है, अब
पोखरण परमाणु परीक्षण हम कर चुके थे, यह है क्या परमाणु हथियार। अब हम क्या मांग रहे हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जिससे हम कितना दूर जाना चाह रहे हैं, 36,000 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं। अब भाई न्यूक्लियर वेपन है ही है, जिस दिन अमेरिका से युद्ध हुआ तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन को इधर घुमाएंगे और धरती में कहीं पर भी अटैक कर देंगे। तो ये मिसाइल में इस्तेमाल ना हो जाए, इस डर से अमेरिका ने हमको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, ठीक है। और रूस से फिर हमने मदद मांगी, तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड सदाबहार मित्र रूस हमको टेक्नोलॉजी देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप से रूस भी हमको टेक्नोलॉजी नहीं दे पाया। फिर क्या हुआ, तो रूस से हमने खरीदी मशीन, ठीक है, रूस को जरूरत है पैसे की, तो रूस से हमने खरीद ली मशीन, और मशीन का हम पुर्जा अलग कर करके दूसरी मशीन बनाने में तो एक्सपर्ट हैं, तो हमने उसका पोस्टमार्टम किया, उसकी टेक्नोलॉजी को समझा और खुद की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की। तो जीएसएलवी महत्वपूर्ण था, जीएसएलवी में कौन कौन से फ्यूल यूज हो रहे, सॉलिड लिक्विड और क्रायोफ्यूल, ठीक है। हाँ, अब जीएसएलवी मार्क टू है और जीएसएलवी मार्क थ्री है, दो प्रकार का है। तो मार्क टू जो है वो 2200 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है, कहां, जीटीओ में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, और मार्क थ्री जो है वो 4000 किलो ले जा सकता है उसी ऑर्बिट में, ठीक है। अब नया टेक्नोलॉजी, नया लॉन्च व्हीकल का नाम आता है, लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री, एलवीएम थ्री। तो क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, नहीं, ये जीएसएलवी का ही नाम चेंज है, क्योंकि जीएसएलवी का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते थे, जीएसएलवी का इस्तेमाल करते थे अपन जीईओ में या जीएसओ में भेजने के लिए, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए, 36,000 किलोमीटर ऊंचा, ठीक है। तो हमने ये सोचा, कि भाई जीएसएलवी रॉकेट को अगर हमको दोनों जगह भेजना है, हम इसको पोलार में भी भेजना चाहते हैं, नीचे रहता है, और जीईओ में भी भेजना चाहते हैं इसको, तो हमको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसका नाम जीएसएलवी से बदल के क्या कर दिया, लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री, अब लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री के M1 रॉकेट से भेजा गया चंद्रयान 2 और M4 रॉकेट से भेजा गया चंद्रयान 3, ठीक है। अच्छा, आगे चल के जो गगनयान मिशन रहेगा उसमें भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब देख लेते हैं इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना इंकोस्पार के रूप में 1962 में हुई। इंकोस्पार बनाने की श्रेय उनके प्रेरणा विक्रम साराभाई से मिलती है, इसलिए पूरा श्रेय किसको दिया जाता है, विक्रम साराभाई को। जब हमारे देश में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात होती है तो आते हैं होमी जहांगीर भाभा, और जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आते हैं विक्रम साराभाई, ठीक है। इंकोस्पार बना 1969 में इसरो का गठन हुआ। तो हाईलाइट किया हूं 1969, अगर प्रश्न पूछता है इसरो का गठन कब हुआ, इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो कब अस्तित्व में आया, तो कब आया, 1969 में, कंफ्यूज नहीं होना है। 1972 में इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आ गया, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, बेंगलोर कहां है, कर्नाटक में। इसरो अकेले पूरा काम करता है क्या, आज चंद्रयान मिशन बना है और सक्सेसफुली चंद्रमा में हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन उसका सफर कैसे शुरू हुआ था, यह पिक्चर देखो आप लोग, इसरो का सफर कैसे शुरू हुआ और आज इसरो अपनी टेक्नोलॉजी को कितना डेवलप कर चुका है। तो इस डेवलपमेंट के पीछे इसरो के संगठन हैं, जो अलग अलग संगठन इसरो के काम करते हैं, इसरो की प्रमुख इकाइयां, पहली इकाई है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आप समझ चुके हो मेन बात क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी में, एक चाहिए हमको लॉन्च व्हीकल, एक चाहिए हमको सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट कौन कौन सी है, रिमोट सेंसिंग है, कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, ठीक है। तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है यह है तिरुवनंतपुरम में, और यहां पर क्या बनता है, एलवी बनता है, लॉन्च व्हीकल बनता है, ठीक है, प्रक्षेपण यान का निर्माण होता है। याद रखना है विक्रम साराभाई
स्पेस सेंटर, इसमें क्या बनता है, वी फॉर व्हीकल याद रख लेना, ठीक है, वी फॉर विक्रम और वी फॉर व्हीकल। चलिए दूसरा है यूआरएससी, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, तो यहां पर बनता है लॉन्च व्हीकल विक्रम साराभाई में, और यू आर राव सैटेलाइट सेंटर जो है, यू आर राव अंतरिक्ष केंद्र जो है, ये स्पेस सेंटर होगा, सॉरी, है ना। तो यहां पर बनता है उपग्रह सैटेलाइट, ठीक है, तो यहां पे सैटेलाइट का डिजाइन और डेवलपमेंट होता है, तो यू से उपग्रह याद रख लेना, ये यू फॉर उपग्रह और वी फॉर व्हीकल, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तीसरा क्या है, एसडीएससी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, पहले इसको बोलते थे शार, पहले क्या बोलते थे, शार, ठीक है, हाँ, तो शार बोलते थे, श्रीहरिकोटा रेंज बोलते थे, आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील में स्थित है, वो वहां की परिस्थितियां रॉकेट छोड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम लोग प्रक्षेपण यान को छोड़ने का काम कहां से करते हैं, लॉन्चिंग का काम कहां से करते हैं, तो ये लॉन्चिंग का काम करते हैं हम लोग श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा का नामकरण किया गया सतीश धवन जी के नाम पे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, यहां पर न केवल प्रक्षेपण होता है, लॉन्चिंग होती है, बल्कि एकीकरण भी होता है, मतलब उपग्रह और रॉकेट को इंटीग्रेट करते हैं और यहीं से छोड़ते हैं, फिर ऑब्वियसली बात है दूर से इंटीग्रेट करके तो लाएंगे नहीं इतना भारी, है ना, तो यही इंटीग्रेशन भी होता है। अगला है एसएसी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूं, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये अहमदाबाद में, ठीक है, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सेंसर वगैरह बनता है, यहां पे अहमदाबाद में है एसएसी, ये प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स वगैरह में। अगला है एलपीएससी, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, आप देखें कि जब हमारे पास पीएसएलवी आया तो हमने पहली बार लिक्विड प्रोपोलेंट, मतलब प्रोपोलेंट मतलब फ्यूल, ठीक है, ये प्रोपल्शन मतलब क्या होता है, प्रोपल्शन मतलब प्रक्षेपण होता है, ठीक है, प्रोपेलेंट यानी प्रोपेलेंट यानी होता है ईंधन, फ्यूल, ठीक है, तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ये कहां पर है, ये है आपका दो जगह, वलीमाला केरल और बेंगलोर में, इसमें द्रव चरण के साथ साथ क्रायोजेनिक चरण का भी निर्माण होता है, याद रखिएगा, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का निर्माण भारत में कहां होता है, तो एलपीएससी वलीमाला और बेंगलोर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ठीक है। अब लास्ट है एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है, ये क्या करता है, रिमोट सेंसिंग जो है, दूर संवेदन, जो हमारे दूर संवेदन सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, उसके जो डाटा है उसको कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करके एनालाइज करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका फसल का डाटा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैच की, सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के पास आ रही है, ये धरती है, ठीक है, और यहां पर कहीं पोलार ऑर्बिट है, मान लीजिए यहां पर आपका एक सैटेलाइट घूम रहा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, ये सन है, अब ये सन रेज है, इससे रिफ्लेक्ट होकर कहां आएंगी, यहां जाएंगी, ठीक है। अब ये जो डाटा है, ये जो डाटा कलेक्ट करेगा, ये डाटा कहां आ रहा है, हैदराबाद में, ठीक है, एनआरएससी में आ रहा है हैदराबाद में, और इस डाटा की मदद से, ठीक है, इस डाटा की मदद से यहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई फसल कितनी भारत में इस बार हो सकती है, फसल पूर्वानुमान लगाया जाएगा, मिनरल्स की खोज करना है तो मिनरल्स की बात है, फॉरेस्ट का कवर देखना है तो फॉरेस्ट कवर की बात है, तो वहां से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से एनआरएससी हैदराबाद में जाता है, हैदराबाद का है, तेलंगाना में है। अब आते हैं चंद्रयान थ्री में, ठीक है, तो चंद्रयान थ्री आप लोग पहले ही जानते हो, चंद्रयान थ्री जो है वो क्यों लॉन्च किया गया, सबसे पहले तो हमने चंद्रयान वन लॉन्च किया 2008 में, फिर चंद्रयान टू लॉन्च किया 2019 में, और फिर चंद्रयान थ्री आया 2023 में, ठीक है। तो चंद्रयान थ्री जो था वो
एक ऐसा मिशन था हमारा जिसके माध्यम से हम तीन चीज दिखाना चाहते थे। पहला कि हम मून या चंद्रमा की सतह में सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं ये चंद्रमा की सतह है, ठीक है, ये चंद्रमा है, इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, ठीक है। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि हम चंद्रमा की सतह पर क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर लैंड करना। अब लैंडिंग करने का काम करेगा लैंडर, कौन करेगा, लैंडर, और लैंडर से निकलेगा रोवर। तो चंद्रयान का लैंडर कौन है, विक्रम, विक्रम लैंडर यूज हुआ चंद्रयान थ्री में, और रोवर कौन है, प्रज्ञान, रोवर का क्या नाम है, प्रज्ञान, ठीक है। तो हम तीन चीज दिखाना चाहते हैं, सबसे पहला क्या था, सॉफ्ट लैंडिंग, सबसे दूसरा क्या था कि हम रोवर को चलते हुए दिखाना चाहते हैं, और तीसरा क्या था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमको वहां करना था, उसके बारे में आगे सैटेलाइट्स के माध्यम से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, हमने ये जो मिशन था चंद्रयान थ्री, इसको हमने रखा था साउथ पोल में भेजने के लिए चंद्रमा के। तो साउथ पोल और बाकी इक्वेटर चंद्रमा का, ये जो इक्वेटर वाली जगह होगी ना, ये वाली धरती का इक्वेटर, वैसे चंद्रमा का इक्वेटर होगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, उस तरीके से। तो यहां पर क्या है, प्लेन है, और यहां पर क्या है, पहाड़ी, पहाड़ी क्रेटर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रेटर्स, उच्चावच बहुत ज्यादा है, ज्वालामुखी वगैरह ज्यादा है। तो हम साउथ पोल में लैंडिंग कराना चाहते थे चंद्रयान थ्री की, क्यों, क्योंकि साउथ पोल में हमको उम्मीद है कि यहां पर क्या है, सूर्य की किरण बहुत कम जाती है, और यहां अंधेरा होने के कारण क्या मिलने की संभावना है, फ्रोजन वाटर मिलने की संभावना है, मतलब बर्फ मिलने की संभावना है, और बर्फ मिला तो वाटर, वाटर मिला तो जीवन, ठीक है। इसलिए साउथ पोल में जाना एक तो बहुत डिफिकल्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट था। तो भारत सक्सेसफुली लैंड तो कर लिया, अब दूसरा काम क्या था इसका, रोवर। तो प्रज्ञान रोवर उतर गया है, और ऑलरेडी उसके 8 मिनट चलने का वीडियो आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, साउथ पोल में जाने वाला भारत पहला देश है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब ये जो चंद्रयान मिशन है, इस पूरे मिशन का कंट्रोलिंग हो रही है आइस ट्रैक बेंगलुरु से, ठीक है। आइस ट्रैक मतलब TR फॉर टेलीमेट्री, टेलीमेट्री एंड कम्युनिकेशन, मतलब जो सैटेलाइट जो वहां पे लैंडर और रोवर है चांद में, वो यहां से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रहा है, उसी को बोलते हैं टेलीमेट्री, जैसे हम लोग रिमोट से टीवी का चैनल चेंज करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार। चंद्रयान थ्री, 1, 2, 3 का कंपैरिजन है, 1 2008 में, ये 2019 में, और 3 2023 में, ठीक है। लॉन्च व्हीकल कौन सा था, PSLV XL पूछ सकता है, क्योंकि चर्चा में आया है तो पूछ सकता है, इसको देख लो, है ना, PSLV XL, इसका LVM M1, और चंद्रयान थ्री का LVM 3 M4, ठीक है। पेलोड क्या क्या था, तो पेलोड एक में ऑर्बिटर ओनली था, मतलब जब चंद्रयान थ्री हम लोग भेजे ना, चंद्रयान वन हम लोग भेजे ना, ये वाला, तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या था, केवल उसके आसपास चक्कर लगाना था, एक सैटेलाइट था वो चक्कर लगाएगा बस। लेकिन चंद्रयान टू जब हम लोग भेजे तो हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, हम इसको उतारना चाहते थे, लेकिन उतरते समय क्या हो गया, क्रैश हो गया। क्रैश हुआ तो हम समझ गए क्यों क्रैश हुआ। तो चंद्रयान थ्री जब बनाए तो हम लोग दो चीज किए, उसमें फ्यूल ज्यादा डाले, ठीक है, फ्यूल ज्यादा डाले, और जो लैंडर था उसको हम क्या बनाए, मजबूत बनाए, स्ट्रांग बनाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, ठीक है। और लैंडिंग साइट का सिलेक्शन हम अच्छे से किए, तीन चीजें हम लोग किए, फ्यूल को ज्यादा डाल दिए, लैंडर को मजबूत बनाए, और लैंडिंग साइट का सिलेक्शन सही किए, ठीक है। तो देख लो, इसमें ऑर्बिटर बस था, इसमें चंद्रयान टू में लैंडर और रोवर दोनों था, लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, सेम विक्रम और प्रज्ञान चंद्रयान थ्री में भी इस्तेमाल हुआ है। ये तो आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, देखो चंद्रयान थ्री है ना, तो चंद्रयान थ्री जब हमारा मिशन अर्थ से शुरू हुआ और कहां तक जाएगा, मून तक जाएगा, ठीक। यहां तक जाने का दो तरीका था, एक तरीका रूस ने अपनाया, यहां से शुरू किया
और सीधा लॉन्चिंग करके कहां पहुंचा दिया, चंद्रमा की सतह में। यह था लूना 25, ठीक है। और लूना में बैठ के चांद तक जाओगे तो क्या होगा, लूना, ठीक है, गिर जाएगा ना। तो लूना पहला मिशन भी था जो चांद में गया था, ये यूएसएसआर जब था रूस ना, तो ये फर्स्ट मिशन लूना ही था जो चांद पे गया था। और पहली बार चांद पे यात्री कौन उतरा था, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। कहां के थे ये, यूएसए के, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। तो ये देखो मैं बता रहा था आप लोग को, इसको छोड़ो, जो रूस ने अपना रॉकेट लॉन्च किया वो सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ में लॉन्च किया लूना 25 को। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक एचईओ बनाया। देखो कितने सारे ऑर्बिट बनाए अपन लोग, यहां से जब धरती से जब हम लोग रॉकेट को लॉन्च किए तो इसको हम बहुत सारे ऑर्बिट में घुमाए ताकि हमको वो वेलोसिटी मिले जो जिसकी हमको जरूरत है, ठीक है। और जब एक वेलोसिटी पे हम आ गए, स्पीड में आ गए, तब हमने यहां इसको लॉन्च किया, ठीक। लॉन्च करने के बाद जब चांद में पहुंचे, चांद के ऑर्बिट में, तो वहां फिर से हम सीधा इसको नहीं उतरने दिए, हम क्या किए, इसको फिर से लूनार ऑर्बिट में भी एचईओ बना के घुमा दिए ताकि इसकी स्पीड जो ज्यादा थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। देखो टाइमलाइन भी दी हुई है, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, 15 जुलाई से 25 जुलाई चंद्रयान 3 धरती का चक्कर लगा रहा है, 15 से 25 जुलाई तक, ठीक है। 1 अगस्त को इसरो ने क्या किया, 1 अगस्त को इसको लूनार ऑर्बिट में भेज दिया, मतलब चंद्रमा के कक्षा में भेज दिया इसको लूनार ऑर्बिट में। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इन लूनार ऑर्बिट, यहां से गया वहां से पहुंचने में इसको 4 दिन लग गया। 5 अगस्त को ये लूनार ऑर्बिट में आ गया और 6 अगस्त से 16 अगस्त तक घूमता रहा। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, रोज आता था खबर कि वो चंद्रयान अब चंद्रमा के इतने पास आ गया, इतने पास, ये ऐसे ही हुआ, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह, देखो आराम से इसकी डिस्टेंस कम होते गई और फाइनली इसने एक सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में कर ली। ये चंद्रयान 3, ठीक है, ये भी उसी चीज को बता रहा है आपको, सॉफ्ट लैंडिंग को ही समझा रहा है। चंद्रयान 3 में कौन सा रॉकेट यूज हुआ, हमने बताया LVM3M4, इसका डिटेल्स है, आप लोग चाहो तो देख लेना इसको, ठीक है। ये LVM3M4 रॉकेट है, ठीक है, और ये इसका, ये जो दिख रहा ना, ये लैंडर है, लैंड करेगा जो, ये देखो इसमें जो पाए बने हुए हैं, ये लैंडर है, और इससे जो निकलेगा ये क्या है, रोवर है, ये रोवर है, इसको बोलते हैं प्रज्ञान, ये रोवर है, ठीक है, और ये क्या है, विक्रम लैंडर, ठीक है। अब चंद्रयान 3 के बारे में दिया, 14 जुलाई को छोड़ा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया, 23 अगस्त 2023 को हो गया, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, भूल जाओगे आगे चल के, ठीक है, 23 अगस्त को हुआ। अब मिशन चंद्रयान 3 के बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, फर्स्ट नंबर का देश है। चंद्रयान 3 को LVM3M4 से छोड़ा गया, ठीक है, नेतृत्व करता, अच्छा ये नाम देख लेना भाई, श्री ऋतु करिधल, ये रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है, सी ऋतु करिधल। और इसरो के चीफ कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है, ये बहुत बड़े कैरेक्टर है ना, इसरो के चीफ हैं, ठीक है। तो सी ऋतु करिधल एक साइंटिस्ट हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, के सिवन को बोलते हैं, जो चंद्रयान 2 के समय मिशन इसरो के चीफ थे। चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है, मिशन के निदेशक हैं मोहन कुमार, ये पूछ सकता है आपसे। देखो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलग होता है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और ये मिशन डायरेक्टर है मोहन कुमार, है ना। खर्च हुआ 615 करोड़, अभी इसमें भी चर्चा हुई कितने में, तो हॉलीवुड की एक मूवी नहीं बनती है, ठीक है, एवेंजर मूवी इससे 3 गुना बजट में बनी, ऐसा बता रहे थे कुछ लोग। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है, साइंस ऑफ द मून, ठीक है, लैंडर रोवर का नाम बता ही दिया आप लोगों को। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं
पी वीर मुथुवेल, ठीक है, देख लेना। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, हमने क्या भेजा चंद्रमा में, हमने क्या भेजा, तो हमने पेलोड भेजा। जो भी सामान हम भेजते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पेलोड बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पेलोड क्या था, पहला पेलोड था हमारा रंभा, ठीक है, रंभा, ठीक है। दूसरा था चेस्ट, तीसरा था इल्सा। ये तीनों जो थे लैंडर पेलोड थे, मतलब ये जो विक्रम लैंडर था उसके अंदर ये तीनों थे, रंभा, चेस्ट और इल्सा। स्वाभाविक सी बात है जो लैंडर है वो जाके एक जगह खड़ा हो जाएगा और रोवर जो है वो मूव करेगा। उस दृष्टि से देखिएगा आप लोग कि ये क्या क्या काम करेंगे। तो रंभा क्या काम करेगा, ये लैंगमुइर प्रोब है, ये क्या करेगा, मतलब जो सरफेस है चंद्रमा का, सरफेस के आसपास वह प्लाज्मा की डेंसिटी को मेजर करेगा। सरफेस के आसपास प्लाज्मा की डेंसिटी, उसमें कितने आयंस हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मेजर करने का प्रयास करेगा। कुल मिला के हम क्या करना चाह रहे हैं, चंद्रमा के वातावरण को, उसके सरफेस के वातावरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वातावरण तो ऑर्बिटर से भी समझ में आता है, लेकिन उसकी मिट्टी, ठीक है, उसके अंदर क्या मिनरल्स है, ये सब समझने के लिए हमको उतरना जरूरी था। तो ये स्टेशनरी रहेंगे तीनों, क्योंकि ये लैंडर विक्रम में लगे हुए हैं। तो रंभा एलपी, एलपी फॉर लैंगमुइर प्रोब, ठीक है, ये क्या करेगा, प्लाज्मा डेंसिटी और उसमें कितना परिवर्तन समय के साथ हो रहा है उसको देखने का प्रयास करेगा। दूसरा है चेस्ट, CHASTE, क्या फुल फॉर्म है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो शब्द थर्मो को पकड़िए, यहां से क्या करेगा, तापमान को देखने का प्रयास करेगा, सतह में क्या तापमान है, मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सरफेस, ठीक है, पोलर रीजन के आसपास, पोलर रीजन के आसपास थर्मल प्रॉपर्टीज कैसी, कितना तापमान है, ठीक है, कितनी गर्मी है, कितना तापमान है। तीसरा इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। इल्सा क्या है, ये क्या करेगा, सिस्मिक फॉर भूकंप, सिस्मिक का मतलब क्या होता है, भूकंपीय, तो वहां पे भूकंप की क्या संभावना है उसको मेजर करेगा इल्सा। ये तीनों समझ में आ गया, ये प्लाज्मा की डेंसिटी को मेजर करेगा, ये तापमान को मेजर करेगा चेस्ट, और इल्सा क्या करेगा, एस फॉर सिस्मिक, मतलब ये भूकंपीय गतिविधि को देखेगा वहां पे। ये तीनों स्टेशनरी हैं, लेकिन रोवर में जो पेलोड रहेंगे वो रोवर के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो रोवर में क्या क्या है, पहला है APXS, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है आपका LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। दोनों में एक चीज देखो, पहले इसके बारे में बताता हूं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या करेगा, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लूनार सॉइल, चंद्रमा की मिट्टी में मैग्नीशियम है कि एल्यूमिनियम है कि आयरन है, क्या है उसको देखने का प्रयास करेगा, ठीक है, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लूनार सॉइल और रॉक्स, जो वहां के चट्टान है और मिट्टी है उसमें कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है, कौन कौन से मटेरियल उसमें पाए जाते हैं, APXS। दूसरा क्या है, LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्या करेगा, केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन देखने का प्रयास करेगा, मतलब उसमें ये क्या देखेगा, कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है कौन कौन से मिनरल या खनिज हैं और रासायनिक संगठन कैसा है, ठीक है, ये देख रहा है LIBS। और तीसरा है शेप, जो है प्रोपल्शन का पेलोड है, प्रोपल्शन पेलोड मतलब वो पहले ही वो नीचे आ गया, मान के चलिए वो धरती का ही स्टडी करने के लिए उसको भेजा गया था। ये समझने के पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक वर्ड में कॉन्सेंट्रेट करिए, स्पेक्ट्रोमीटर लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट ने चश्मा, स्पेक्ट्रो मतलब देखना, लाइट, तो ये लाइट से संबंधित है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, लाइट के अलग अलग, उसमें कलर की लाइट रहती है ना, उसका वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के हिसाब से उसका अध्ययन करता है, स्टडी करता है। मतलब चंद्रमा की मिट्टी को स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्पेक्ट्रोमीटर, वहां लाइट मारेंगे, लाइट मारने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर जो आएगा उसका डाटा को हम अपने यहां पे बैठ के टेलीमेट्री सेंटर में बैठ के उसको एनालिसिस करेंगे। सेम LIBS, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोप है, इसमें भी क्या करेंगे, लेजर बीम छोड़ेंगे, इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे छोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, लेजर बीम छोड़ेंगे। तो लेजर बीम छोड़ेंगे तो अंदर जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके बारे में पता चलेगा, केमिकल कंपोजिशन कैसा है उसके बारे में पता चलेगा, और शेप क्या है,
स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ। तो हमारे अर्थ के धरती में जो नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ है, नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक सिग्नेचर को देखेगा। ये जटिल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करना है, हमको केवल ये समझना है कि लाइट के बिहेवियर को समझने का प्रयास कर रही है धरती के आसपास, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 का ये क्लास यहीं पर खत्म होता है। क्लास आपको कैसी लगी आप फीडबैक में जरूर बताइएगा, और आगे भी हम करंट अफेयर्स की ऐसी क्लासेस और कुछ सब्जेक्ट क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।